नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में, मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस, 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 42 लोगों को भेजा जेल। लॉकडाउन में रेलवे विभाग ने उठाया अहम कदम, विशेष पार्सल रेल चलाने का किया ऐलान। आयुष विभाग ने शुरू किया फ्लू कॉर्नर, रोजाना 25 से 30 मरीजों की कर रहे हैं जांच। कोरोना वायरस का दिखा पूरा असर, हनुमान जयंती पर बंद कपाटों के चलते हुई पूजा अर्चना। युवा कर रहे हैं रक्तदान जैसा महादान, रक्त कोष में कमी ना होने देने के चलते आगे आ रहे हैं युवा। झुग्गी झोपड़ी में प्रवासी मजदूरों को राशन और मास्क किए वितरित। भिवानी हलचल की टीम पहुंची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, लॉकडाउन के हालातों पर डाली नजर। गणमान्य लोगों ने की घर में रहने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भिवानी पुलिस पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने सख्त चेतावनी दी है कि बेवजह घरों से निकलने वालों को अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। उनका कहना था कि जनता के सहयोग से स्थिति अभी तक कंट्रोल में है और वो अपील करते हैं कि इसे बिगाड़ने की कोशिश ना करें। कोरोना से बचाव को लेकर भिवानी पुलिस पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने सख्त चेतावनी दी है कि बेवजह घरों से निकलने वालों को जेल हो सकती है। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग और सजगता से ही अभी तक भिवानी में कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति कंट्रोल में है, इसे बिगाड़ने की कोशिश ना करें। कोरोना का कहर मानव जाति के लिए आए दिन किलर बनता जा रहा है। हर रोज कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस पर रोकथाम और लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस अब सख्त हो गई है। हालांकि भिवानी में लोग लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं और कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्थिति भी नियंत्रण में है, पर कुछ लोग अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डालने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि चंद लोग जो नियम तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई करते हुए 1500 से ज्यादा वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 160 के करीब वाहनों को जब्त कर करीबन 8,36,000 रुपये जुर्माना भी वसूला जा चुका है। उन्होंने बताया कि नियम तोड़ने पर 20 एफआईआर दर्ज हुई और 42 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। भिवानी जिले में कुल मिला के लॉकडाउन की स्थिति शांतिपूर्ण है, यहाँ लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हम उनके खिलाफ सख्त कदम उठा के कार्रवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके हमने करीबन 1,550 व्हीकलों के चलान किए हैं और अब तक 160 से ऊपर जो है ना व्हीकल हमने इम्पाउंड किए हैं। जो उल्लंघना कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हमने करीबन 20 एफआईआर लॉन्च करके 42 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ न्यायालय में चलान दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को आपके माध्यम से पूर्ण चेतावनी देना चाहता हूँ, जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं वो अपने घरों में रहें ताकि ये संक्रमण हमारे ज़िले में ना फैले। अगर कोई अवहेलना करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर लॉन्च की जाएगी और गिरफ्तार किया जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री की आवाजाही के लिए रेलवे विभाग की ओर से विशेष पार्सल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलने वाली इस गाड़ी का समय साय 7:50 से 8:10 तक भिवानी रेलवे स्टेशन पर रहेगा। यह गाड़ी अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के बीच अप डाउन करेगी। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए रेलवे की ओर से आवश्यक सामग्री के परिवहन के लिए पार्सल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर पार्सल स्पेशल रेल सेवा 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य पार्सल और आवश्यक सामग्री का परिवहन करना है। रेलवे पैनल अधिकारी कामनी चौहान ने बताया, भिवानी रेलवे स्टेशन पर इसके ठहराव का समय करीबन 20 मिनट होगा। इसमें पार्सल की लोडिंग अनलोडिंग समय के अनुसार होगी। पार्सल स्पेशल रेल सेवा में VPS और एक SLR भी होगा। इस पार्सल सेवा का सभी लाभ उठा सकते हैं। ये ट्रेन जयपुर से 3 बजे चलकर अलवर रेवाड़ी से होते हुए भिवानी पहुंचेगी, जहां 7:50 से 8:10 तक इसका ठहराव होगा। इसके बाद ये ट्रेन हिसार, सिरसा, हनुमानगढ़ होते हुए जोधपुर तक पहुंचेगी। ये लॉकडाउन की वजह से चलाइए ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो और पब्लिक को पार्सल की जो एक एक स्टेशन से डेस्टिनेशन पे जहाँ भी पब्लिक पहुँचाना चाहती है उनकी फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि खाद्य की आपूर्ति पूरी होती रहे या किसी को कोई अपना माल बुक करना हो उसके लिए चलाइए। ये गाड़ी चलाइए जयपुर से 15 बजे इसका डिपार्चर है और भिवानी अराइवल है इसका 19:50 और चलना है यहाँ से 20 मिनट का ठहराव है भिवानी 19:50 पे और ये 7 तारीख से 14 तारीख तक के लिए ही प्रपोजल है। जब ये लॉकडाउन की वजह से जो और पैसेंजर गाड़ियां पार्सल और माल सब बंद कर रखा है ना, इस वजह से ये स्पेशल ट्रेन चले। नगर के सामान्य अस्पताल में पूरी की पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम जनता को संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहां विशेष रूप से आयुष विभाग में बनाए गए फ्लू कॉर्नर में प्रतिदिन 25 से 30 व्यक्तियों की जांच की जा रही है। वहीं यहां आने वाले सभी लोगों को कोरोना से बचने के उपायों की जानकारी भी दी जा रही है। कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए आयुष विभाग भी पूरी तरह से अपनी तैयारी किए हुए है। इसी के चलते विभाग द्वारा फ्लू कॉर्नर शुरू किया गया है, जिसमें रोजाना करीबन 25 से 30 मरीजों की जाँच की जा रही है। विभाग के पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव मुंजाल ने बताया कि यहाँ करीबन 25 से 30 मरीजों की जांच हो रही है, जिसमें से 8 से 10 मरीज फ्लू के लक्षणों वाले होते हैं, जबकि बाकी पुराने होते हैं, जिन्हें दवाओं के साथ साथ कोरोना से बचाव संबंधी अनेक जरूरी जानकारियां भी दी जा रही हैं। आयुर्वेद विभाग में फ्लू कॉर्नर बनाया गया है, जिसमें आजकल मरीज आ रहे हैं, ऐसा मरीजों की संख्या तो कम है, परंतु जो सर्दी, खांसी, जुकाम, जो फ्लू वाले सिम्टम से मरीज हैं वो भी आ जाते हैं, और दूसरे पुराने मरीज़ भी आ रहे हैं जिनकी दवाइयां ख़त्म हो गई हैं, वो भी अपनी पुरानी दवाइयां लेने आ जाते हैं। तो उनको आजकल 15 से 20 दिन की दवाइयां एक साथ दी जा रही हैं, ताकि उनको बार बार बाहर ना निकलना पड़े। इस तरह हमारे एवरेज लगभग रोज़ 25 से 30 मरीज़ आ जाते हैं, जिसमें फ्लू के अलग से 8-10 मरीज फ्लू सिम्टम्स के आ जाते हैं, और बाकी पुराने मरीज़ भी आ जाते हैं, वो अपनी दवाई लेकर चले जाते हैं। ऐसे जो फ्लू सिम्टम्स के आते हैं उनको गाइडलाइंस देकर कि उनके सिम्टम्स आगे ना बढ़े, उनको पर्सनल गाइडलाइंस दी जाती हैं कि अगर उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो अपना सेल्फ होम क्वारंटाइन ज़रूर कर लें, और फिर भी अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो इमीडिएट फ़ोन नंबर दिया गया उस पर सूचित करें। अगर इस तरह का अभी तक कोई केस नहीं आया, अगर इस तरह का कोई केस अगर आता है तो उसका फिर टेस्ट आगे किया जाए। कोरोना महामारी का असर पूरी तरह से दिखाई दिया मंदिरों में भी, और वो भी हनुमान जयंती के अवसर पर। जी हाँ, जहाँ इस दिन पूरे नगर में अनेक मंदिरों में भारी भीड़ के साथ हवन, यज्ञ एवं भंडारों का आयोजन होता है, वहीं लॉकडाउन के चलते मंदिरों में बंद दरवाजों में ही महंत और पुजारियों ने पूजा अर्चना की और संकट मोचन से लोगों के कष्ट को दूर करने की प्रार्थना भी की। कोरोना वायरस के चलते भगवान के मंदिर तक के कपाट भी बंद हो गए हैं। आम आदमी की धारणा ये होती है कि मुसीबत पड़ने पर भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान समस्या खत्म करते हैं। बुधवार को पूजनीय वीर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी बंद मंदिरों में पूजा अर्चना कर मनाया गया। भगवान श्री राम के सभी सफल कामों में वीर हनुमान जी का विशेष महत्व रहा है। श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया करते थे। बुधवार को हनुमान जयंती के अवसर पर सिर्फ पुजारियों द्वारा मंदिरों में पूजा की गई और भगवान के भक्तों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर रहकर ही बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। प्रश्न आ जाता है और हनुमान जी के विषय में कहा कि हनुमान जी सार्थकता, सुरक्षा और समर्पण के साधक थे। वो एक कुशल शासक के शिष्य और एक कुशल शासक के पुत्र होने के बाद भी उन्होंने अपना सेवक धर्म निभाया।
यानी कि राजा के पुत्र राजकुमार होने के पश्चात भी वो आज के समय संभव नहीं है कि वो सेवक धर्म निभाए, लेकिन हनुमान जी की निष्ठा श्री राम जी के प्रति, वो जिसे भक्ति कहलाती है और भक्ति बलवती है, नवधा भक्ति का जो समर्पण है, जो साधु संगत सेवा समर्पण गायत्री संध्या तर्पण मति गति धर्म, ये हनुमान जी के जन्म से परिपूर्ण सार्थक है। और हनुमान जी से कहा कि तुमरो मंत्र भविष्य माना लंकेश वर भय सब जग जाना, आपने सुना चौपाई भी, और कि कौन सा मंत्र जो हनुमान जी का भविष्य ने मान लिया और वो लंकेश्वर हो गए, यानी कि लंकाधिपति हो गए। उन्होंने कौन सा माना था कि आप श्री राम जय राम जय राम गाइए। तो हनुमान जी का चरित्र से हमें बल बुद्धि विवेक ज्ञान की पहचान और चरित्र को देखते हुए हमें ऐसा साधक होना चाहिए कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्वामी भक्त स्वामी के प्रति अपनी भक्ति, या कोई व्यापारी है उसके अनुज अगर हम हैं तो उसके प्रति अपनी भक्ति, यानी कि सारांश है कि हमें अपनी यथा योग्यता व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तित्व को अपने सामाजिक दायित्व को निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इतने बड़े परिपेष्ट में हूँ, मैं राजा हूँ या मैं कोई अधिकारी हूँ, मैं कार्य नहीं करूँगा। नहीं, वो जो अधिकारी है वो भी सेवक है, जो राजा है वो भी सेवक है, इस प्रजातंत्र में सभी सेवक है। ये हनुमान जी का ये जो हनुमान जी जो प्रजातंत्र है, हनुमान जी ने ऐसा विवेक जो अपना राजकुल को त्याग कर मंदाचल और इत्यादि पर्वतों में रहकर उन्होंने साधना की और राम जी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वो सीता माता की खोज के लिए निकल गई। तो ऐसी भक्ति हमें सब में होनी चाहिए, पर ऐसी भक्ति हम किसके प्रति करें आज? आज ऐसी भक्ति अपने राष्ट्र के प्रति करें। इदम राष्ट्रम इदम न मम, यह भावना हमारे अंदर होगी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कैसा भी साम्राज्य हमारे ऊपर स्थापित नहीं हो सकता, अगर हम इदम राष्ट्रम इदम न मम राष्ट्र की प्रति भावना का सचेत कर लेंगे अपने मन में, तो हम हनुमान जैसे सेवक हनुमान जैसे स्वामी भगत हो जाएंगे। पहले तो जय भारत माता की जय। मैं सभी हमारे शहरवासियों से प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका अपना लोक गायक वीरपाल सिंह घरकिया। देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे वर्ल्ड के अंदर जो ये महामारी चल रही है कोरोना की, इसे एक अपील करता हूँ कि सब अपने घरों में रहें, और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया है वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें और सभी सुरक्षित अपने घरों में रहे, सभी खुशहाल रहे। जय हिंद जय। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान भी भिवानी के सामान्य अस्पताल में रक्तदान के लिए युवा रक्तदाताओं की कमी नहीं है। इस बारे में 73 बार स्वयं रक्तदान कर चुके राजेश जुड़ेजा ने बताया कि अभी तक करीबन 100 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया जा चुका है, और इसी कड़ी में 10 अप्रैल को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है। कोविड 19 के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान रक्त कोष में रक्त की कमी ना होने पाए, इसके लिए रक्तदान करने के लिए युवा भी खूब आगे आ रहे हैं। युवाओं द्वारा चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल के रक्त कोष में अब तक करीबन 100 यूनिट रक्त की डोनेट की जा चुकी है। आज भी 8 लोगों ने यहाँ रक्तदान किया। उल्लेखनीय है, लॉकडाउन के चलते अस्पताल के रक्त कोष में रक्त की यूनिट कमी होने लगी थी, ऐसे में शहर के युवा एक बार फिर आगे आए और रक्तदान शुरू किया। इस दौरान 73 बार रक्तदान कर चुके राजेश टुडेजा ने बताया कि 10 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक अब यहाँ रक्तदान किया जाएगा। एक यहाँ पर संस्थाओं द्वारा कुछ मुहिम चलाई गई थी, तो संजय कामराज जी द्वारा, राजू टुडेजा जी द्वारा और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस कोरोना महामारी के समय कि रक्त की कहीं कमी ना रहे, उसकी प्रॉपर आपूर्ति होती रहे, इसके लिए इन संस्थाओं द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। तो मैंने राजू भाई साहब से संपर्क किया, तो उन्होंने इस प्रकार से बताया मुझे कि ऐसे ऐसे हम रोज़ जिस जिस ग्रुप की कमी होती है प्रॉपर इन्होंने डाटा रख रखा है। तो मुझसे पूछा गया कि मेरा क्या ग्रुप है, मैंने जैसे बताया उनको मेरा ये ग्रुप है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप ये दे दीजिए, इस ग्रुप की हमारे पास कमी है, तो इसलिए मैं यहाँ रक्तदान करने के लिए आया हूँ। मैं ब्लड डोनर हूँ, 73 बार मैंने डोनेट किया हुआ है। तो इस समय कोरोना का क्राइसिस हुआ तो हमें पता चला ब्लड की ब्लड बैंक में दिक्कत है, तो मैंने और संजय कामरा जी ने दोनों ने मिलकर ये मुहिम चलाई कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ब्लड के लिए मैसेज डालेंगे और बुलाएंगे। वैसे हमने दो ब्लड ग्रुप भी व्हाट्सएप ब्लड ग्रुप डोनर ग्रुप बना रखे हैं, वो वहाँ मैसेज डाल देते हैं और पर्सनली भी मैसेज डालते हैं। तो हमारे पास ब्लड डोनर जितना भी ब्लड जरूरत होता है उतने उस हिसाब से ब्लड डोनर आ जाते हैं। हम ब्लड की पूर्ति लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अब तक कितना कहना ब्लड आपने वो करवा चुके, कितने यूनिट आप अब दान करवा चुके हैं? लॉकडाउन के बाद अब तक हमारा हो गया 99 यूनिट्स टोटल। तो ये जो ब्लड है वो आगे किस चीज़ के लिए यूज किया था? थैलेसीमिया पेशेंट
डिलीवरी पेशेंट और एक्सीडेंटल पेशेंट। कोरोना वायरस के चलते अनेक सामाजिक संगठन अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक लगातार सूखा व गीला खाना पहुंचाया जा रहा है। इस कड़ी में बावड़ी गेट निवासी मुकेश प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर झुग्गी झोपड़ियों में चावल, तेल, चीनी इत्यादि जरूरतमंदों तक पहुंचाया। कोरोना वायरस के चलते शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके चलते जिला प्रशासन और शहर की कई सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंदों को राशन और मास्क लगातार वितरित किए जाते हैं। इसी कड़ी में बावड़ी गेट निवासी मुकेश प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को राशन बांटा और उन्हें जागरूक करते हुए दूरी बनाए रखते हुए राशन वितरण किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना के चलते संकट आया हुआ है। इस संकट की घड़ी में प्रवासी मजदूर परिवार खाने पीने की कोई चिंता ना हो, इसी के चलते वे अपने साथियों के साथ देश सेवा में लगे हुए हैं। इस देश में जो भी ये कोरोना घटना हो रही है, इस जो भी प्रवासी है सबके हम खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये कोई भी अपनी जगह छोड़ के ना जाए, हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। हरेक गरीब आदमी को खाना टाइम से पहुँचा रहे हैं, दवाई पानी स्लाइटर और मास्क वगैरह भी दे रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस, 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, 42 लोगों को भेजा जेल। लॉकडाउन में रेलवे विभाग ने उठाया अहम कदम, विशेष पार्सल रेल चलाने का किया ऐलान। आयुष विभाग ने शुरू किया फ्लू कॉर्नर, रोजाना 25 से 30 मरीजों की कर रहे हैं जांच। कोरोना वायरस का दिखा पूरा असर, हनुमान जयंती पर बंद कपाटों के चलते हुई पूजा अर्चना। युवा कर रहे हैं रक्तदान जैसा महादान, रक्त कोष में कमी ना होने देने के चलते आगे आ रहे हैं युवा। झुग्गी झोपड़ी में प्रवासी मजदूरों को राशन और मास्क किए वितरित। भिवानी हलचल की टीम पहुंची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, लॉकडाउन के हालातों पर डाली नजर, गणमान्य लोगों ने की घर में रहने की अपील। हमारे संग में बस इतना ही, अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।